ओला और उबेर टैक्सी चालक अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार ने मांगें पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन करने का इशारा भी ओला उबेर चालकों द्वारा इस समय दिया गया। ओला उबेर टैक्सी चालकों द्वारा कई शिकायतों को लेकर हड़ताल की गई, जिसमें चालकों द्वारा यह शिकायतें रखी गई। जैसे कि सर्वप्रथम कंपनी ने हर टैक्सी चालकों को कंपनी का भागीदार बताकर गुमराह किया, जबकि टैक्सी चालकों को कंपनी के साथ भागीदारी जैसा अब तक कोई भी सम्मान और फायदेजनक अनुभव नहीं आया। शुरुआत में कंपनी ने टैक्सी चालकों के लिए बेस्ट रेट तैयार किए, इसके बाद किलोमीटर और समय के हिसाब से ग्राहकों का बिल बनता था। जो आज कंपनी बेस्ट रेट हटाकर केवल किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी चालकों को भुगतान किया जा रहा है। शुरुआत में कंपनी ने टैक्सी चालकों से ग्राहकों से हुए भुगतान की सारी राशि का 20% कमीशन लेने का वादा किया था। साथ ही कंपनी उस समय टैक्सी चालकों को आकर्षक प्रोत्साहन राशि भी दे रही थी। इस लालच में कई टैक्सी चालक भारी मात्रा में कंपनी से जुड़ने लगे। कंपनी का यह नाटक केवल कुछ ही समय तक चलता रहा। आज वर्तमान समय कंपनी यह सुविधा पूरी तरह से खत्म कर दी है, जिसका दुष्परिणाम टैक्सी चालकों को भुगतना पड़ रहा है। महाराष्ट्र एमएस ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन का एक छोटा सा सदस्य हूँ। मेरे पहले भी दो तीन साल पहले आंदोलन हुआ, गाड़ी फोड़फाड़ भी हुई, उसके बावजूद ओला कंपनी एक राजा बन के, एक वो किंग मेकर बोलते हैं ना, वैसे बन के बैठा हुआ है, जिसके सामने प्रशासन नतमस्तक हो गया है, प्रशासन झुका चुका है। वो ओला उबर के खिलाफ में कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता, जबकि मैं अभी जिलाधिकारी से मिल के आया। हम लोग जिलाधिकारी को हमने पिछले 1.5 साल से निवेदन पर दिए जा रहे हैं, उसमें कोई भी नहीं छूटा। विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त, महापौर, पालक मंत्री नितिन जी गडकरी साहब, इनको भी निवेदन देंगे। अभी तक ये 4 महीने के अंदर में प्रशासन ने एक भी कदम ऐसे उठाया नहीं है। अभी तक इन्होंने ओला उबर के लोगों को बुलाया नहीं। सबसे आश्चर्य एक बात यह होती है कि प्रशासन के पास में ओला उबर कंपनी की, जो हजारों करोड़ में रुपए का धंधा कर रही है, उसके पास में ओला उबर कंपनी के माँ बाप का नामो निशान नहीं है, वो किसी को बुला नहीं सकती। हमारी मांगे ये है कि जो शुरू के 2 साल में इन्होंने जो गारंटी दी थी, जो इन्होंने प्रशासन को दिया, शासन सरकार को दिया है कि हमको धंधा करने का मौका दो, हम लोग रोजगार देंगे, लोगों की उन्नति होगी, ये जो दिया है उसके मुताबिक हमको रेट मिले। अभी 2 साल में, उसके बाद में अगर आज देखो तो लोगों का 10-10, 15-15 किलोमीटर चलते हैं हम लोग तो हमको 100 रुपये मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर एयरपोर्ट से हम लोग रेलवे स्टेशन सवारी लेते हैं, 120 रुपये मिलते हैं, 14-15 किलोमीटर होता है। रेलवे स्टेशन में पार्किंग लेता है, मगर कस्टमर को आके बाहर बैठना पड़ता गाड़ी में, कस्टमर गालियाँ देता वो अलग, ऑटो वाले हम पर मारने दौड़ते हैं, माँ बहन की गाली देते वो अलग। इस संबंध में हमने महापौर जी को और मनपा आयुक्त को निवेदन दिया है। कंपनी से जुड़ने वाले टैक्सी चालकों के लिए कंपनी ने ऑनलाइन करारनामा तैयार किया है और वह भी अंग्रेजी में लिखा है, जो सामान्य चालकों के लिए कंपनी के नियमों और शर्तों को पढ़ना और समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। इस वजह से टैक्सी चालक कंपनी उलूल जुलूल नियमों और शर्तों में फंसकर उलझ जाते हैं। इसके कारण वे कंपनी के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बेबस हो गए हैं। इसलिए ओला और उबेर चालकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, BCN न्यूज़, नागपुर।